आप जी सुन रहे हो जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राहदा पन्ना नंबर 92। उसी समय कस्तूरी बोली के पैण अग्गे जद मेरी वारी आएगी ता सवेरे दा भोजन मैं करा दऊंगी रात दा आप करवा देना। रामो दी खुशी दा ठिकाना नहीं रहा किते किते पैर टिके। वारी आउण उत्ते रात दा भोजन तैयार कीता खीर हलवा शबजी मंडे यानी पतली रोटी फुलके बनाए। परंतु लीला सतगुरु दी रामो नू तेज बुखार हो गया। शरीर अंगार दी तरह जलन लगा एक कदम भी चलन दी हिम्मत नहीं रही। उसी समय रामो दा लड़का आ गया। पैण रामो ने कहा बेटा आज मेरा एक कम कर दे तेरा जिंदगी पर एहसान नहीं भुलूंगी। बेटा मैं गुरु बनाया है अज रात दा भंडारा तेरी ताई भगत मती कस्तूरी दी वारी तो मंग लिया है। बेटा देख मैनू तेज बुखार हो गया है बदन अग दी तरह जल रहा है चलन दी हिम्मत नहीं है। लड़का बोलिया कि मेरे कोल टाइम नहीं है मैं नहीं दे के आउदा भोजन आश्रम विच। माता जी आप उस आश्रम विच ना जाया करो मैनू आप दे बारे विच बहुत कुछ सुनना पैंदा है। ए सुन के भगत मती रामो फुट फुट के रोन लगी। लड़के नू तरस आया परंतु चुंझला के बोलिया किथे है भोजन दे आउंदा हा। रामो पैण तुरंत उठी अते सब भोजन दे दिता। लड़का उस भोजन नू एक तसले विच रख के आश्रम विच लै गया। रामो गुरु जी नू वार वार बेनती करदी सी कि गुरु जी लड़का नशा करदा है घर दा ठौर बिटौड़ा कर रख्या है गल नहीं मनदा उसनू भी शरण विच लै लवो। महाराज अगले दिन लड़के नू आश्रम विच देख के होर भगत ते भगत मतिया कहन लगिया कि गुरु जी ने सुन लई रामो दुखिया दी बेटा खुद भोजन लैके आ गया। गुरु जी नू पता चलिया ता खुश होए कि बेटी रामो बस गई। सुन लई भगवान ने लड़का बोलिया महाराज जी मेरी माता जी नू जवर हो गया है मैनू भेजिया है भोजन करो। संत जी भोजन दे लई बैठ गए अते सोचिया लड़का पहली वार आया है कुछ ज्ञान सुना देवा। संत जी ने कहना शुरू कीता कि बेटा माता पिता दी सेवा करनी चाहिदी है उहना दी आग्या दा पालन करना चाहिदा है मोक्ष दे लई गुरु बना के सत भगती करनी चाहिदी है। नशे ने ता वड्डे वड्डे घर उजाड़ दित्ते लड़का ता जलिया पुजिया बैठिया सी उसनू ता पल पल दी देरी महसूस हो रही सी क्योंकि उस रात नू उसने अपने साथी चोरा दे नाल राजा दे घर विच चोरी करन जाना सी। रात दे 12 बजे नगर तो बाहर मंदिर विच इकट्ठे हो के चोरी करन जाना सी। उहना दी कल्पना सी कि राणिया दे महंगे महंगे हार हुंदे हन ओ चुरा के लियावांगे माला माल हो जावांगे। इस लई लड़का संत जी नू बोलिया कि बाबा जी जल्दी भोजन खा लै मैनू सिख्या दी जरूरत नहीं है। संत जी नू चंगा जिहा नहीं लगा मन विच विचार कीता कि रामो असल विच दुखी है इस शैतान तो खाना खादे ही बिना बर्तन धोते बर्तन चुके चल पिया नगर दे वल। अद्धे रस्ते तो ज्यादा तय करन दे पिछो उस दे पैर विच मोटी शूल यानी किक्कर दा कंडा लग गईया। पैर विच बहुत पीड़ा होई चलन विच कठिनाई होई जिवे तिवे घर आया आंगण विच बर्तन पटक के अपनी मां नू उलाहणे देण लगा अज ही ते गुरु जी दे दर्शन कीते अज ही मेरे भाग फुट गए मेरे पैर विच कंडा लग गया मैं चलन लायक भी नहीं रहा अज तो बाद आश्रम दे वल मुख करके भी ना सोवा। रामो दा बुखार हल्का हो चुका सी जल्दी उठी अते कंडे लगे पैर नू तोया। आप जी सुन रहे हो जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राहदा पन्ना नंबर 93। उस दे उपर तेल दी गाद यानी तेल दे नीचे जम्या मैल नू कपड़े नाल बन दिता अते सवेरे कंडा कढवाउण दी योजना बनाई। लड़का अपनी माता नाल बहुत लड़िया चंगिया मंदिया गल्ला भी कहिया क्योंकि लड़के करमपाल नू ता चोरी विच शामिल ना होण दे कारण बहुत वड्डी हानि होई लग रही सी। जिवे तिवे सवेर होई लड़के दा कंडा कढवा दिता माता यानी रामो घर दे कम विच लग गई। कुछ देर विच एक बैंड बाजा वजदा होया आया नगर निवासियां नू पता हुंदा सी कि इस प्रकार दा साज उस समय शहर विच वजाया जांदा है जद किसे नू मौत दी सजा दित्ती जांदी है। इस लई प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घरां दे बाहर खड़े हो जांदे सन अते जाणिया करदे सन कि किस नू किस कारण सूली तोड़िया जा रहा है। राजा दे सिपाही उहना चार व्यक्तियां तो कहा रहे सन कि अपना दोष दसो। ओ कह रहे सन कि असी राजा दे घर चोरी करन गए सी असी कोर अपराध कीता है अज शाम नू सानू सूली उपर चढ़ाया जाएगा।
कोई सुनदा होवे ता कदी गलती ना करना। करमपाल नू अपने साथी चोरा नू पहचानन विच देर ना लगी अते माजरा भी समझ गया। रामो बोली कि ठीक होया, होर करो चोरी, तुहानू यही सजा मिलनी चाहीदी सी, करके खादा नहीं जांदा। रामो अपने घर चली गई। करमपाल द्वार उत्ते खड़ा पैपीत स्थिति विच डरिया डरिया जेहा खड़ा रहा। फिर घर विच जाके जोर जोर नाल रोन लगा। रामो ने देखा कि करमपाल क्यों रो रहा है, पुछया बेटा की हो गया, कंडा भी निकल गया, हुण की दर्द हो रहा है। करमपाल उठ्या अते अपनी माता दे सीने नाल लिपट गया, बोलिया मां भला होवे आप दे गुरु जी दा, जिसने तेरे बेटे दी सूली दी सजा कंडे विच टाल दित्ती। मां अज तेरा बेटा सूली चढ़ना सी, मां आप किवे जीवत रहंदी। रामो बोली कि मेरा बेटा की चोर सी, क्यों टुटदा सूली, चोरा नू सजा मिलदी है। करमपाल बोलिया हां मां तेरा बेटा भी चोर सी, अज दे बाद कसम है मां तेरी कदी नशा नहीं करूंगा, आप दे नाल सत्संग विच जाया करूंगा, आप दे घर दे कम विच हथ वटाऊंगा, मैं अपनी जिंदगी विच मां नू कदी दुखी नहीं करूंगा। रामो बोली कि रे निकम्मे चोरी भी करन लग गया सी। लड़का बोलिया हां मां पक्का चोर हो गया सी, धन हन आप दे सतगुरु, धन है मेरी मां जिसनू अजिहे महापुरुष दी शरण मिली है, मां अज ही चल मैनू दीख्या दिला के लिया। रामो तुरंत लड़के नू भगत मती कस्तूरी दे कोल लैके गई, सब ब्रितांत दस्या। कस्तूरी भी सब कम छड़ के उहना दे नाल आश्रम विच गई अते गुरु जी दा धन्नवाद कीता। सब घटना नू दस्या, लड़के नू नाम दवाया। एक होर पिंड दे सतसंगी परिवार दी लड़की नाल व्याह हो गया। पूरा परिवार सत्संग विच जान लगा ते सेवा करके सुखी जीवन जीवन लगा। रामो ता सत्संग दे रंग विच ऐसी रंगी गई, जद जद सतगुरु जी मंडली समेत आके आश्रम विच रुक दे, ओ ता सवेरे चली जांदी, देर शाम नू आउंदी अते सेवा करदी, बर्तन साफ करदी, गुरु जी दे वस्त्र धोंदी। सत्संग दा ता एक शब्द भी नहीं छड्डदी सी। एक समय सर्दी दा मौसम सी। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा, पन्ना नंबर 94। सवेरे 10 बजे सत्संग शुरू होया। गुरु जी ने रामो नू बोलिया कि बेटी वस्त्र धो लिया नदी विच, धुप थोड़ी देर रहिंदी है, सत्संग दे बाद जाएगी ता वस्त्र सुक नहीं पाउणगे। रामो भैण वस्त्र बाल्टी विच पा के चल पई, नदी थोड़ी दूरी उत्ते सी। कपड़े बाल्टी विच पानी विच पियो के सोडा पा के रख दित्ते। सोचिया कि जिन्नी देर वस्त्र सोडे विच भिजणगे उदो तक सत्संग सुणाउंदी हा। आश्रम दे बाहर दीवार दे नाल कन लगा के सत्संग वचन सुनन लगी। सत्संग समापन उत्ते सत साहिब दी धुनी सुनी ता रामो नू कपड़े याद आए, दौड़ी दौड़ी नदी दे वल चली अते डरी होई, अज ता गलती हो गई, गुरु जी दे वचन दी अवहेलना हो गई, मैनू डांट पएगी, गुरु जी नाराज हो गए, ता मेरी ता सेवा उत्ते पानी फिर जाएगा, हे भगवान ए की बनी। इहना विचारा विच नदी उत्ते पहुंची ता देख्या कि बाल्टी खाली सी ते वस्त्र धो के चाड़िया उत्ते सुखा रखे सन जो सुख चुके सन। रामो उहना पैणा नू बोली जो पहला ही नदी उत्ते अपने वस्त्र धो रहिया सन, कि हे पैणो ए वस्त्र आपने धो के सुकाए हन। सब एक दूसरे वल देखण लगिया। एक बोली पैण तेरा दिमाग चल गया है कि जा मजाक कर रही है, आप खुद ता कपड़े धो रही सी बेसबरी होके, साडे भी छिट्टे लग रहे सन, तेनू टोकिया भी सी कि हौली हौली कपड़े तो, तू खुद चाड़िया उपर सुका के गई सी, हुण की भंग दा नशा कर आई है। रामो रोण लगी अते सब कपड़े चुक के बाल्टी विच पा के आश्रम दे वल चली। आश्रम विच किसी सेवादार ने रामो नू आश्रम दे बाहर बैठे सत्संग सुनदे देर तक देखिया सी। उसने गुरु जी नू दस्या कि अज आप दे कपड़े गिले ही रहणगे, क्योंकि रामो ता सत्संग समापन तक बाहर दीवार नाल कन लगा के सत्संग सुन रही सी, हुण गई है कपड़े धोण। इन्ने नू रामो ने आश्रम विच प्रवेश कीता अते कपड़े गुरु जी दे कोल रख के फुट फुट के रोण लगी। संत जी ने कपड़े छूए ता पूर्ण रूप विच सुके सन। रामो तो रोण दा कारण पुछया ता दस्या कि गुरु जी आपने दुखी हो के खुद कपड़े धोते हन, मेरे तो गलती हो गई, मैं ऐसा ऐसा सोचया सी कि कुछ देर सत्संग सुन के कपड़े धोऊंगी, परंतु ध्यान नहीं रहा। गुरु जी बोले कि बेटी परमात्मा कबीर जी रामो बन के कपड़े धो गए हन, ज्यो बच्छा गौ की नज़र में जो साई को संत, भगतों के पीछे फिरे भगत वछल भगवंत। शब्द अर्थ
जिवेगा अपने बच्चे दे उपर एक टक नजर रखदी है कि कोई पशु पंछी जा मनुख मेरे बच्चे नू मार ना देवे। इसे तरह परमात्मा अपने भगत दे उपर दृष्टि रखदा है। जिवेगा दा बच्चा खेलदा कुददा किते होर दौड़ जांदा है ता गा भी उस दे पिछे पिछे उस दी रख्या दे लई दौड़दी है। इस तरह परमात्मा जो भगता दा हितकारी है अपने भगता दे पिछे पिछे फिरदा है, उहना दी सुरक्षा दे लई नाल रहिंदा है। परमात्मा ने अब्राहिम सुल्तान आदम नू नरक तो कड्डन दे लई बांदी रूप स्त्री बनके शरीर उत्ते कोरड़े खादे सन। बेटी दुखी ना हो, तेरा उदेश गलत नहीं सी। परमात्मा ता सच्ची लगन ते भाव दे भुखे हन। रामो शांत होई सत्संग तो रामो बस गई, मोक्ष भी मिलिया। आप जी सुन रहे हो जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा, पन्ना नंबर 95, कबीर सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली लिखी हो कांटे में टल जाए। भाव अर्थ, समर्थ कबीर परमेश्वर दे कृपा पातर सच्चे गुरु सतगुरु तो दीख्या लैण वाले भगत जा भगत मती दी परमात्मा रख्या करदा है। जेकर पूर्व जन्म दे पाप दे कारण साधक नू मौत दी सजा सूली यंत्र दे द्वारा मिलनी भाग विच लिखी होवे जो ज्यादातर पीड़ादायक हुंदी है, ता परमात्मा उस साधक दे उस मृत्यु दंड नू समाप्त करके कुछ छोटा मोटा जिवे पैर विच कंडा लगना दे के टाल दिंदा है। भयानक दंड नू नाम मात्र दे दंड विच बदल दिंदा है। जो बहुत वड्डी बला याने परेशानी सी, चोर कदे तन्नी नहीं हुंदा। कबीर परमेश्वर जी अपने विधान अनुसार एक नगर दे बाहर जंगल विच आश्रम बना के रहंदे सन। कुछ दिन आश्रम विच रहंदे सन, सत्संग करदे सन, फिर भरमण दे लई निकल जांदे सन। उहना दा एक जट किसान शिष सी जो कुछ ही महीनिया तो शिष बनिया सी। किसान निरतन सी, उस दे कोल एक बैल सी। उसे तो किसे होर किसान नाल मेल जोल करके खेती करदा सी। दो दिन लई दूसरा होर दा बैल खुद लै के दोनों बैला नाल हल चलाउंदा सी। फिर दो दिन दूसरा किसान उस दा बैल लै के अपने बैल दे नाल जोड़ के जोतदा सी। किसान अपने कच्चे मकान दे आंगण विच बैल नू बन्नदा सी। एक रात चोर ने उस किसान दे बैल नू चोरी कर लिया। किसान ने देखिया कि बैल चोरी हो गया ता सवेरे वो आश्रम विच गया, गुरुदेव जी नाल अपना दुख सांझा कीता। गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा विश्वास रख, परमात्मा उत्ते दान धर्म भगती करदा रहे, आप नू परमात्मा दो बैल देवेगा। जो चुराके लै गया है वो पाप दा भागी बनया है। परमेश्वर दी कृपा नाल वर्खा चंगी होई, किसान भगत दी फसल चौगुणी होई। भगत किसान ने दो बैल मुल लए अते उहना नू चंगी खुराक खिलाई। बैल खागड़ा यानी सांडा जेहे ताकतवर हो गए। पिंड विच उस दे बैला दी चर्चा हुंदी सी। एक साल दे पिछो उही चोर उसी खेतर विच चोरी करन आया। किते दाव नहीं लग्या, उसने विचार कीता कि जिस दा बैल चुराया सी उस दे घर देखदा हा, हो सकदा है कोई बैल लै आया होवे। देखिया ता दो बैल खागड़ा यानी सांडा जेहे बन्ने सन, चोर ने दोनों चुरा लए। किसान जागया ता बैल चोरी हो चुके सन। गुरु जी नू दस्या ता गुरु जी ने कहा कि बेटा तेरे घर चार बैल देवेगा भगवान, चोर कदी सेठ नहीं हो सकदा, पाप पाप इकट्ठे करदा है। रजा परमात्मा दी आशीर्वाद गुरुदेव दा, वर्खा ने किसान नू मौज कर दित्ती। भगत किसान दे कोल जमीन पर्याप्त सी, परंतु वर्खा दे अभाव करके खेती थोड़े खेतर विच करदा सी। वर्खा चंगी हो गई, दो बैल मुल ले, दो करजे उत्ते ले, खेती अधिक जमीन विच कीती। एक नौकर हाली रख्या, एक साल विच सारा करजा उत्तर गया। बैल चार हो गए, खागड़ा यानी सांडा जेहे मोटे मोटे तगड़े तगड़े, मकान भी पक्का बना लिया। चोर दो साल दे पिछो उधर गया अते पहला उसी किसान दी स्थिति देखण गया। चोर ने देखिया चार बैल खागड़ा यानी सांडा जेहे बैठे सन अते चोर दे कोल दो दिन दा आटा बाकी सी। आप जी सुन रहे हो जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा, पन्ना नंबर 96, ज्यादा निरतन हो गया सी। चोर ने किसान नू रात नींद तो जगाया ता किसान बोलिया, कौन है तू? चोर ने कहा कि मैं चोर हाँ, जिसने तेरे तीन बैल चुराए सन। किसान बोलिया, भाई मेरी नींद खराब ना कर, तू अपना काम कर, परमात्मा अपना कर रहा है, मैनू सौण दे। चोर ने पैर फड़ लए अते बोलिया, हे देवता, मेरे तो हुण चोरी नहीं हो रही। एक गल दस, तुहाडा चोर आप दे सामने खड़ा है, आप पकड़ भी नहीं रहे हो।
हे पाई तेरा एक बैल मैं चुराया, तेरे घर अगले साल दो बैल खागड़ा यानी सांडा जेहे बनने सन, ओ भी मैं चोरी लै गया। अज दो साल पिछों आप दे विहड़े विच चार बैल खागड़ा यानी सांडा जेहे बनने हन। मैनू मार चाहे छड़, मैनू तेरे विकास दा राज दस। मैं भी जट किसान हाँ, जमीन भी है, निरतंता बेअंत है। भगत किसान ने उसनू कहा कि आप इसनान करो, खाना खाओ। चोर ने उंज ही कीता। फिर भगत उस चोर नू आश्रम विच लै के गया, गुरुदेव नू सब घटना दसी। गुरुदेव ने चोर नू समझाया, 7-8 दिन भगत किसान ने अपने घर रखिया अते प्रतिदिन गुरु जी नू मिल के सत्संग सुनाया। चोर ने दीख्या लई, गुरु जी ने कहा बेटा नवे भगत नू एक बैल दे दे उधारा, खेती करेगा, तेरे पैसे वापिस देवेगा। भगत ने कहा कि गुरु जी ठीक है। भगत किसान ने नवे भगत नू एक बैल दे दिता। नवा भगत प्रतिदिन महीना सत्संग विच आउंदा सी, पूरे परिवार नू नाम यानी दीख्या दिला दिता। दो साल विच वित्ती स्थिति चंगी हो गई। एक बैल जमा तीन पहला वाले यानी चोरी वाले बैला दे रुपए लैके चोर भगत उस किसान भगत दे घर आया, उसदे बच्चे भी नाल सन। किसान भगत तो उस चोर भगत ने सब पैसे दे के कहा कि मैनू माफ करना, तुहाड़ा उपकार मेरी सत पीढ़ी भी नहीं उतार पाएगी। पुराना भगत बोलिया कि हे भाई, ये सब गुरुदेव जी की कृपा है, उहना दा बचन फलिया है, आप ये सब रुपए गुरु जी नू दान रूप विच दे देवो। मैनू ता उहना ने पहला ही कई गुणा बैला दी पूंजी दे दित्ती सी, मेरे कम दी नहीं। दोनों भगत गुरु जी दे कोल गए अते सारी दान राशि चरणा विच रख दित्ती। गुरु जी ने भोजन भंडारा यानी लंगर विच लगा दित्ती, सत्संग कीता। इस प्रकार चोरी दा धन मोरी विच जांदा है, भगत सदा फलदा फुलदा है। संस्कार छूत दे रोग दी तरह फैलदे हन, चंगे ते बुरे संस्कार संक्रमण रोग दी तरह फैलदे हन। जिवें भगत दे हथ नाल बोए गए बीज विच वी भगती संस्कार प्रवेश हुंदे हन। जो उस अन्न नू खांदा है उस विच भगती दी प्रेरणा हुंदी है। जेकर कोई नशा करन वाला ते किस प्रकार दे होर विचारा नू मन विच मंथन करदा होया हाली बीज बीजदा है ता उस बीज विच वी उस दे विचार प्रवेश हुंदे हन जो उस अन्न नू खाण वाले नू प्रभावित करदे हन। उदाहरण, एक भैण ने गुरु दीख्या लै रखी सी, उसदे घर उत्ते गुरु जी आए ते नाल ही एक शिष्य सी। उस भैण दी भैण भी किसे कम वश उस दिन आ गई। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा, पन्ना नंबर 97। उसदा दामाद मृत्यु नू प्राप्त हो गया सी, लड़की दे छोटे छोटे बच्चे सन। ओ बहुत चिंतित सी, रह रहे के विचार उठ रहे सन कि बेटी दा निर्वाह किवे होएगा। बेटी ता उजड़ गई, देवर जेठ किसी दे नहीं हुंदे, बच्चियां नू कौन पालेगा। हे भगवान, ए की बनी, केहड़े जन्म दा पाप अग्गे आ गया। उपदेशी पैण भोजन बनाउन लगी ता उसदी सहायता करन लगी। ज्यादा भोजन उस पैण ने बनाया जिस दा जवाई मर गया सी। संत भगत खाना खा के सौ गए। सवेरे भगत ने गुरुदेव जी नू कहा कि हे गुरुदेव, अज रात नू नींद दे दौरान मन बहुत दुखी रहा, जिवे मेरा दामाद मर गया। बेटी दे छोटे छोटे बच्चे हन, उहना दी बेहद चिंता सताउंदी रही, इहना दा की होएगा, किवे निर्वाह होएगा। गुरु जी ने अपनी शिष्या नू पुछया कि बेटी, रात दा भोजन किसने बनाया सी। उसने उत्तर दिता कि मेरी छोटी भैण आई है, उसने बनाया सी। संत ने पुछया कि उसनू कोई कष्ट है कि। शिशान ने उत्तर दिता कि गुरुदेव, कष्ट ता बहुत ज्यादा है, लड़की दे छोटे छोटे बच्चे हन, दामाद दी मृत्यु हो गई है, सारा सारा दिन मेरी भैण इस ही चिंता विच रहिंदी है, दिन विच कई कई वार कहिंदी रहिंदी है कि बेटी दा की होएगा, किवे बच्चिया दा पालन करेगी। गुरु जी ने शिशा नू कहा कि उस बेटी दे विचार भोजन विच प्रविष्ट होए अते खान वाले नू प्रभावित कीता। मैनू भी यही परेशानी सारी रात रही सी। इस प्रकार जेकर भगती नाम सिमरन जा आरती जा संता दी बाणी दा चिंतन करदे करदे भोजन बनाया जाए ता खान वाले विच ए संस्कार चंगी प्रेरणा करदे हन, भगती दी रुचि वधदी है। कोई हाली गाने रागनी गाउंदा होया बीज बीजदा है, जा खाना बनाउण वाली गाने जा रागनी गाउंदी होई भोजन बनाउंदी है ता उस अन्न विच ओ संस्कार प्रवेश हो जांदे हन। उसनू खाण वाले दा सुभाव ही उस प्रकार बकवास करन नू प्रेरित हुंदा है जिस दा परिणाम वर्तमान यानी 1997 दे आस पास विच दिखाई दे रहा है। अच्छाई विच घट, बुराई विच ज्यादा संख्या विच मानव लगा है।
जेकर संता दी बाणी पाठ सिमरन करन वालिया दी संख्या ज्यादा हो जाएगी ता वातावरण भगती वाला हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति दे मन विच भगत जिहे भाव उपजणगे। उस वातावरण नू बनाउण दे लई घर घर विच आरती रमैणी ते नित नियम चलना चाहिदा है। गुरु तो दीख्या लैके नाम सिमरन करना चाहिदा है, जिस नाल वातावरण विच भगती दे विचारां दे तत्व ज्यादा भर जाणगे ते बुरे संस्कारां वाले विचार उपर उठ जाणगे। भगती संस्कार आक्सीजन जाणो ते बुरे विचार कार्बन डाइऑक्साइड समझो। आक्सीजन रूपी भगती संस्कार दे सिलेंडर खोलने पैणगे जाणी। सतग्रंथ साहिब दे पाठ उत्ते पाठ करने पैणगे ते तीनों समय दी संध्या यानी नित कर्म करने होणगे। सिमरन करना होएगा। भगती करन वालिया दी संख्या वधेगी ता भगती दे विचार भी पृथ्वी उत्ते ज्यादा फैलणगे। जिन्ना तो हर एक दे मन विच शांति दा आभास होएगा। सत्संग करन किसे दे घर जांदे सन ता पहले दिन ता साडा वी मन अशांत जिहा हो जांदा सी। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 98। फिर हरेक भगत अपनी अपनी रमैणी सवेरे दे नित नियम शाम दी आरती ते सिमरन कर दे फिर सत्संग सुनाउंदा ता उस घर तो बुरे विचार यानी कुसंस्कार निकल जांदे। शुभ संस्कारा दी अधिकता होण करके मन शांत हुंदा। जद असी सत्संग जा पाठ करके अगले पिंड जाण लगदे सी ता पूरा परिवार रोण लग जांदा सी। उहनां नूं इन्नी शांति संत भगता दे संग विच मिलदी सी। उहनां संस्कारा दा प्रभाव महीनिया रहिंदा है। जेकर नाम लैके प्रतिदिन दी तिन्नों संध्या सिमरन परिवार दे लोक करन लग जाण ता ओ शांति सदा बनी रहिंदी है। जो बीड़ी हुक्का विच तमाखू पींदा है अते ओ बीज बीजदा है ता उस अन्न विच वी तमाखू दी वासना यानी सूक्ष्म तत्व प्रवेश कर जांदे हन। उस अन्न नू खाण वाले विच वी तमाखू सेवन करन दी प्रेरणा बन जांदी है, जिस कारण नशा तेजी नाल नौजवानां विच वध रहा है। जद तक बच्चे हन उदो तक ता माता पिता चाचा ताऊ दादा जी दे डर नाल तमाखू सेवन नहीं करदे, परंतु जवान हुंदे ही ओह संस्कार प्रबल हो जांदे हन अते नशे दी आदत जल्दी पै जांदी है। मेरा उद्देश है कि मानव समाज तो नशा ते होर सारिया बुराइया जड़ तो समाप्त करके धरती उत्ते स्वर्ग बनाऊ। परमात्मा कबीर जी दा कहा बचन साकार होया देखना चाहुंदा हा। उहना दी प्रेरणा शक्ति नाल ए अनमोल कम सफल हो सकदा है। ए दास अते मेरे अनुआई सच्ची नीयत नाल इस मिशन दी सफलता दे लई यतनशील हन। सफलता दी पूरी आशा है। संसारिक चीचू विच ही भगती करनी पवेगी। एक थानेदार कोड़ी उत्ते सवार हो के अपने खेतर विच किसे कम वश जा रहा सी। जेठ यानी जून दा महीना दिन दे एक वजे दी गर्मी हरियाणा प्रांत एक किसान रैट दी सिंचाई कर रहा सी। बैला द्वारा कोहलू दी तरह रैट नू चलाया जांदा सी। बाल्टिया दी लड़ी यानी चेन जो पुली यानी चक्री दे उपर सी, जिस नाल खूह तो पानी कढ़ के खेत विच जाण वाली नाली विच डिगदा सी। रैट दे चलण नाल जोर जोर दी चींचू दी आवाज हो रही सी। दरोगा ते कोड़ी दोनों प्यास नाल व्याकुल सन। थानेदार ने पानी पीण ते कोड़ी नू पिलाउण दे लई रैट दे वल प्रस्थान कीता। रैट नाल हो रही जोर जोर दी चींचू दी आवाज नाल कोड़ी फड़क यानी डर के दूर भज गई। थानेदार ने किसान नू कहा कि इस चींचू नू बंद कर। किसान ने बैलां नू रोक दिता। रैट चलना बंद हो गया। खूह तो पानी निकलना भी बंद हो गया। जो पानी पहला निकलिया सी उसनू जमीन ने अपने अंदर समा लिया। दरोगा कोड़ी नू निकट लियाया ता देखिया कि नाली विच पानी नहीं सी। दरोगा ने कहा हे किसान पानी काढ़। किसान ने बैल चला दिते। रैट नाल चींचू दी आवाज अते पानी दोनों चलन लगे। कोड़ी फिर फड़क गई अते एक एकड़ यानी 200 फुट दी दूर उपर जाके रुकी। दरोगा उपर बैठा सी। दरोगा ने फिर कहा कि किसान शोर बंद कर। किसान ने बैल रोक दिते। पानी नाली तो जमीन विच जांदे ही समाप्त सी। कोड़ी नू निकट लियाया पानी नहीं मिलिया ता फिर पानी निकलण दा आदेश दिता। रैट चलदे ही कोड़ी दौड़ गई। किसान ने कहा कि दरोगा जी इस रैट दी चीचू विच ही पानी पीना पवेगा, नहीं ता दोनों मरोगे। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 99। दरोगा कोड़ी तो उतरिया। लगाम फड़ के धीरे धीरे कोड़ी नू निकट लियाया। चलदे रैट विच ही दोनों ने पानी पीता अते जीवन रख्या कीती।
इस लई संसारिक काम नू करदे करदे ही भगती दान धर्म सिमरन करना पवेगा, जरूर करो। हुण भगती नाल की होएगा, उम्र ता थोड़ी जेही बाकी है। जिला जींद विच पिंड मनोरपुर विच भगत राजकुमार जी दे घर 3 दिन दा पाठ ते सत्संग हो रहा सी। पिंड विच पुरश सत्संग नू पाखंड मनदे हन, क्योंकि पुराने जमाने विच सत्संग दा आयोजन बिरध इस्त्रियां कर दिया सन। रात नू सत्संग कर दिया सन, दिन विच पुत्तर बदू नू भाई पतीजिया नू गालियां नाल कोस दिया, यानी बद दुआवा दिंदिया सी। कई कई ता दूसरे दे बिटोड़े तो गोसे यानी पाथिया तक चुरा लैंदिया सी। कदी फड़िया जांदिया ता बदनामी बहुत हुंदी सी। इसी तरह दिया घटनावां नाल सत्संग नाम नाल लोकां नू एलर्जी सी। भगत राजकुमार जी दे पूरे परिवार ने दीख्या लै रखी सी। उहनां नू पता सी कि ए सत्संग अलग है। जद भगत राजकुमार जी दे पिता जी नू पता चलिया कि साडे घर विच बेटा सत्संग करा रहा है, ता बहुत बेइज्जती मन्नी अते सोचिया कि पिंड की कहेगा। इसलिए ओह विरद 3 दिन तक अपने वड्डे बेटे दे घर नहीं आया। छोटे बेटे दे घर चौबारे विच रहा, दिन विच खेता विच चलिया जांदा। रात नू चौबारे विच हुक्का पीवे अते दुख मन्नावे कि ए कैसे दिन देख रहा हा। रात नू दास यानी लेखक ने सत्संग कीता, लाउड स्पीकर लगा रख्या सी। राजकुमार दे लड़के नू पता सी कि दादा जी उपर चौबारे विच हन। उसने एक स्पीकर दा मुख दादा जी दे चौबारे दे वल कर दिता। सत्संग दा वचन सुनना बिरद दी मजबूरी बन गई। 2 दिन सत्संग सुन के विरद 3रे दिन पाठ दे भोग उत्ते राजकुमार जी दे घर आ गया। राजकुमार जी दी पत्नी ने दस्या कि मैं सोचिया सी कि बुढ़ा गल बात विगाड़न आया है, महाराज जी नू गलत बोलेगा पाठ दा भोग लगाउण दे पिछो। राजकुमार जी दे पिता जी मेरे सामने बैठ गए अते कहण लगे, महाराज जी मैं ता इस सत्संग तो बहुत नाराज सी, परंतु 2 दिन आप दी गल सुनी मैनू चंजोड़ के रख दिता। मैं ता मनुख जीवन दा पूरा ही नाश कर दिता। मैं 8 एकड़ जमीन होर मुल लै लई, दोनों बेटियां नू पालिया पोसिया, दिन रात खेती दे कम विच लग्या रहा। आप दे विचारा तो पता चलिया कि मैं ता जीवन नाश कर दिता। हुण 75 साल दी उम्र हो चुकी है, हुण भगती नाल की बनेगा। ए गल कह के ओ बिरद रोण लगा, हिचकी लग गई। मैं उस नू दिलासा दिंदे कहा कि आप विश्वास करो, हुण वी कुछ नहीं विगड़िया है। एक उदाहरण ता गुरु जी तो इस दास यानी रामपाल दास ने सुनिया सी। दस्या कि जिवें खूह विच बाल्टी छुट गई होवे अते उसदी नेजू यानी रस्सी जो बाल्टी नाल बन्नी जांदी है, जिस तो बाल्टी द्वारा खूह तो पानी कढ़िया जांदा है। पुराने समय विच खूह लगभग 100 या 150 फुट गहरे हुंदे सन। वी खूह विच जा रही हो, जेकर दौड़ के नेजू नू फड़न दी कोशिश करन नाल नेजू दी पूंछ यानी अंतिम सिरा भी हाथ विच आ जाए ता कुछ भी नहीं गया। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा, पन्ना नंबर 100। बाल्टी भी मिल गई अते पानी भी प्राप्त हो गया। जेकर यह विचार करिए कि बाल्टी ता गई, जान दे ता मूर्खता है। इस प्रकार आप दी उमर रूपी नेजू दी पूछड़ी बची है। हुण दीख्या लैके सारे नशा त्याग के मर्यादा विच रह के साधना करो, मोक्ष हो जाएगा। उसी समय उस भगत आत्मा ने दीख्या लई पूरी लगन दे नाल भगती कीती। ओह 85 साल दी उमर विच शरीर त्याग के गया, जीवन सफल कीता। ओह हुक्का पींदा सी, उसी दिन त्याग दिता अते आजीवन हाथ भी नहीं लगाया। राजकुमार दे छोटे भाई दे परिवार ने भी नाम लिया। बिरद भगत उहनां नू खुद लैके सत्संग आउंदा सी, भगती करन नू कहिंदा सी। पिंड मनोरपुर दे लोक हैरान सन कि इन्ना हुक्का पीण वाले ने किवें हुक्का छड्ड दिता। हुक्का पीण वालिया दे कोल भी नहीं बैठदा। एक ऐ चोट सिदारिया जिन मिलन दा चाह। हरियाणवी कहावत है कि गाम का और ज्ञान का चमका सा ला गया करे। गाम मारना यानी धूप तो शरीर विच हानि होना, जिस कारण नाल शरीर विच गर्मी वध जांदी है, जवर हो जांदा है। इसनू कहिंदे हन गाम मार गया। ओ व्यक्ति वैद नू कहिंदा सी कि मैनू ता पता भी नहीं चलिया कद मार गया। वैद कहिंदा सी कि गाम दा ता चमका सा लगदा है, यानी अचानक प्रभाव पड़ जांदा है। इसी प्रकार जिसनू ज्ञान दा प्रभाव होना होवे ता 1-2 बिंदु उत्ते ही ज्ञान हो जांदा है, भगती उत्ते लग जांदा है। चौधरी जीता नू ज्ञान होया।
पिंड खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश विच लगभग 275 साल पूर्व एक जीता राम जट सी 900 बीघा जमीन सी। पिंड दा नंबरदार सी, सब तो तन्नी ते पंचायती आदमी सी। सच दा पक्ष लैंदा सी, झूठ नू महत्व नहीं दिंदा सी। उसी पिंड यानी खेखड़ा विच एक संत कीसा दास जी उस समय विच सत्संग करया करदे सन। ਉਹ ਚਮਾਰ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਛੂਆਛਾਤ ਚਰਮ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਕੀਸਾ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਲਗਭਗ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਤੇ ਦੀਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਤ ਸ੍ਰੀ ਕੀਸਾ ਦਾਸ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸੰਕਟ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਰਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। महीने विच दो दिन सत्संग करदे सन। रात दे सत्संग विच पुरश इस्त्रिया दोनों जांदे सन। पिंड विच चर्चा चलन लगी कि रात नू इस्त्रिया दा जाना उचित नहीं है, कुछ भी अनहोनी घटना वापर सकती है, इसलिए सत्संग नू बंद करा दिता जाए। पिंड खेखड़ा दी पंचायत हुई। पंचायत दा प्रमुख चौधरी जीता राम जी नू कहा गया। चौधरी जीता राम जी संत कीसा दास जी दे घर गए। उस दिन सत्संग चल रहा सी। पिंड दी पंचायत दे फैसले दी चर्चा पूरे पिंड विच हो चुकी सी। आप जी सुन रहे हो जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 101। जद चौधरी जीता राम जी पहुंचे ता सत्संग श्रोतियां नू लगा कि चौधरी साहिब जट दिमाग दे हन, संत जी नाल झगड़ा करनगे। जीता राम जी घर तो लाठी लैके चले सन, जो रस्ते विच एक रुख दे नाल खड़ी करके अग्गे चले। विचार आया कि भगत कोई झगड़ा थोड़ा ही करदे हन, चंगी सभा विच लाठी लैके जाना पंचायती नू सोभा नहीं दिंदा। सत्संग चल रहा सी। चौधरी साहिब ने विचार कीता कि कुछ इस दी गल सुनदा हाँ, फिर के सुन लऊंगा। सत्संग विच ओही ज्ञान दस्या गया जो आप जी हरलाल जी दे प्रकरण विच पढ़ाए हो। चौधरी साहिब ता भावुक हो गए, अखा तो हंजू दी तारा वेह तुरी। उठ के संत कीसा जी दे चरणा विच सिर रख दिता अते कहा कि हे गुरुदेव, मैनू अपराधी नू मार चाहे छड़, गलती बहुत वड्डी कर दिती है। मैं तुच्छ जीव सत्संग बंद करन दा आदेश लैके आया हा, खिमा करो प्रभु, आप दिल खोल के सत्संग करो, कोई नहीं रोकेगा। संत कीसा दास जी ने कहा कि चौधरी साहिब, जो कम करन आए सी ओ करो। जीता जट फिर रोन लगा ते बोलिया, खिमा करो, खिमा करो, मैनू दिख्या दो। चौधरी जीता राम जट जी भगत बन गए, खुद भी रात नू सत्संग सुनन लगा। पिंड खेखड़ा दे घर घर विच चौधरी साहिब जीता राम जी दी, संत कीसा राम जी दी शरण विच जान दी निंदा होन लगी। कहन लगे, संत कीसा राम सेवड़ा है, जादू जंतर जानदा है, पिंड दे चौधरी उपर तंत्रिक क्रिया करके अपने वश कर लिया है, सम्मोहन जंतर मंतर जानदा है। चौधरी जीता राम जी करवाले लड़के अते भाई चाचा ताऊ सब जीता राम जट ते कीसा राम संत दे विरोधी हो गए। पिंड वाले चौधरी जीता राम नू कहन लगे कि चौधरी साहिब बुढ़ापे यानी विरध अवस्था विच भी विगड़ गए। चौधरी जीता राम जी नू अध्यात्मिक काम मार गया यानी ज्ञान दा प्रबल प्रभाव हो गया सी। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਭਾਗ ਜਾਗ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਂ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਗਈਆ, ਭਗਵਾਨ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਟੱਬ ਯਾਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਗੜ ਜਾਓ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਗੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੰਤ ਕੀਸਾ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਸਥਾਨ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣ ਗਏ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਡ ਖੇਖੜਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਚਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਤ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਉਪਦਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ। ਪੁੱਛਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੰਤ ਭਗਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਸੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਜੜ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਕੇ ਸਭ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਤ ਭਗਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ।
भगत जीता दास ने गुरु जी की सादास जी नू कहा कि लगदा है गुरुदेव इत्थों तोवी कडाउण पिंड वाले आ गए हन। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 102। देखो आ रहे हन। संत कीसा दास जी बोले, रख लो चादर मोडे उत्ते चलदे बणांगे। इन्ने नू पिंड दे चौधरी निकट आ गए अते अपने अपने सिर दे साफे यानी खंड के संत कीसा ते भगत जीता जी दे चरना विच रख दिते। सब लोग बोले, महाराज जी गलती खिमा करो, आप दे आउण दे पिछो उजड़न लग रहा है, बचाया जाए ता बचा लो, नहीं ता असी भी आप जी दे कोल ही रहांगे। उस पिंड दे व्यक्ति भी इकट्ठे हो गए, सारी घटना दा पता चलिया। वर्तमान पिंड वाले कहन लगे कि चौधरीओ आप वसोंगे ता असी उजड़ांगे। जदो दे ए दो देवता पिंड विच आए हन, पिंड विच किसे दी वी तू तू मैं नहीं होई। दो वार वर्खा हो चुकी है, देखो फसल लहरा रहिया हन। खेखड़ा वालिया ने विशेष विनय कीता ता दोना महापुरुषा ने लौटन दी हा कर दित्ती अते वर्तमान पिंड वालिया नू कहा कि असी समय समय ते आउंदे रहांगे। हरेक पूर्णमासी नू आप खेखड़ा आया करियो, परमात्मा कबीर जी सब ठीक रखणगे। दोनों महापुरुषा दे आउंदे ही पूरे पिंड विच पूर्ण शांति हो गई, पशु धन स्वस्थ हो गया। अगले ही दिन भारी बारिश हो गई, किसान लोग फुल्ले नहीं समा रहे सन, छत्ती बिरादरी खुश सी। सब उपदर बंद हो गए। अज तक उस पिंड विच संत कीसा दास जी ते भगत जीता दास जी दे नाम मेले लगदे हन। संत गरीब दास जी ने कहा है कि गरीब जिस मंडल साधु नहीं, नदी नहीं गुंजार, तज हंसा व देशड़ा जम की मोटी मार। शब्द अर्थ, जिस खेतर विच महात्मा गुरुजन नहीं हंदे अते नदी आसपास ना बह रही होवे, हे भगत उस देश नू त्याग देवो, उत्थे काल दी भयानक प्रताड़ना है। इस लई प्यारे पाठक जनो, जद भी जिस आयु विच सतगुरु मिल जाण, भगती आरंभ कर देना। संत गरीब दास जी ने कहा है कि गरीब चली गई सो जान दे, ले रहती कू राख, उतरी लाव चढ़ाइयो करो अपूठी चाक। भाव अर्थ, हे मानव जो उम्र बिना सतगुरु मिले बीत चुकी है, ओ ता बेअर्थ गई, उसकी चिंता छड़ के सच्ची लगन नाल बाकी बची उम्र विच भगती करके कल्याण करवा लै। भगती ते लगन तो बाद संसारिक काम भी आसान हो जाणगे। जिवे खूह तो पानी कढ़दे वेले नेजू यानी बाल्टी नू बन्नी रस्सी चक्कर तो उतर जांदी ता बाल्टी नू खिचना मुश्किल हो जादा सी, नेजू नू फिर तो चक्कर ते चढ़ा के बाल्टी खिचना बहुत आसान हो जादा है। सतगुरु दी शरण विच आउण तो पहला लांव यानी रस्सी चक्कर तो उतरी होई दे समान पानी कढ़ना मुश्किल हो रहा सी। उसे तरह सब काम मुश्किल नाल बन रहे सन, भगती शुरू करदे ही कम आसानी नाल बनन लगे। जिवे रस्सी चक्कर ते चढ़न तो बाद पानी आसानी नाल निकलदा है। ए विचार नहीं करना चाहिदा कि हुण ता उमर घट रही है, हुण की भगती करांगे। जदों भी सत्संग नाल ज्ञान हो जावे उसे उमर विच दृढ़ता अते लगन नाल भगती ते लग जाना चाहिदा है। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 103। भाव अर्थ, जो उम्र चली गई उसकी चिंता छड़ के बाकी दी रख्या करो, यानी भगती दान सेवा विच लगा दियो। जिवे पुराने समय खूह तो खेती दी सिंचाई दे लई चमड़े दी चड़स प्रयोग हुंदी सी, जिस नाल 2-3 क्विंटल पानी भर जांदा सी। उसनू लकड़ी दी चक्री दे उपर लांव यानी मोटी रस्सी चढ़ा के बन के खिचदे सन। जेकर लांव यानी रस्सी चक्री तो उपर जांदी सी यानी फिसल जांदी सी ता उसनू खिचना कठिन हो जांदा सी। उसनू जैसे तैसे पुनर चक्री यानी लकड़ी दे मोटे घेरे उत्ते चढ़ाया जांदा सी, जिस तो चढ़स नू बाहर कढ़ना आसान हुंदा सी, जो उस तो लाभ लैण दा असली तरीका है। इस लई हे मानव जेकर गुरु शरण नहीं लई है ता आप दी लाव उतरी पई है। जीवन दा हरेक कम मुसीबत बनिया खड़ा है, उस जीवन दी लाव नू मुड़ के पुली यानी चक्री उत्ते चढ़ा लो, फिर चलाओ आसान हो जाएगा, यानी गुरु जी दी शरण लैके अपने जीवन दी राह नू आसान बनाओ। वेशवा दा उदार, सत्संग सुनन नाल जीवन सुधर जांदा है। परमेश्वर कबीर जी रात नू घर घर विच सत्संग करदे सन, दिन विच अपने निर्वाह दे लई सब सरोता ते कबीर जी कम करदे सन। एक रात नू सत्संग चल रहा सी, थोड़ी दूरी उत्ते काशी शहर दी प्रसिद्ध वैश्वा चंपाकली दा अलीशान मकान सी।
उस रात नू वेशवा नू गाका दा टोटा सी जिस कारण इंतजार विच जाग रही सी। उसनू परमात्मा कबीर जी दे मुख कमल विचो प्यारी अमृत बाणी सुनाई दित्ती। सत्संग विच दस्या गया कि मानव यानी इस्तरी जा पुरुष दा जीवन वड्डे पुन्ना नाल प्राप्त हुंदा है। जो इस्तरी पुरुष भक्ति नहीं करदे, दान सेवा नहीं करदे, ओ परमात्मा दे चोर हन। यानी गीता अध्याय 3:12 विच भी कहा है कि जो व्यक्ति परमात्मा तो प्राप्त धन दा कुछ अंश दान धर्म विच लगाए बिना खुद ही पेट भरदा रहिंदा है, ओ ता परमात्मा दा चोर ही है। जो मानव चोरी, डकैती, ठगी, वैश्वागवन करदे हन, ओ महा अपराधी है। जो इस्तरी वेशवा दा तंदा करदी हन, ओ वी महा अपराधी हन। परमात्मा दे दरबार विच उहनां नू कठिन दंड दिता जाएगा। मानव जीवन शुभ कर्म करन ते भगती करन दे लई प्राप्त हुंदा है। कबीर, चोरी जारी वेशवा विरती कभू ना करो कोए, पुन पाई नर देही औछी ठौर ना खोए। शब्द अर्थ, हे मानव चोरी जारी याने पर स्त्री गमन, वैशा विरती याने पर पुरुषा तो धन दे लालच विच स्त्री दा संभोग करना, ए मानव शरीर यानी स्त्री जा पुरुष बहुत पुन्ना तो प्राप्त होया है। इस नाल पाप कर्मा नू करके गलत स्थान ते जाके नष्ट ना करो, शुभ कर्म करो, गुरु धारण करके अपना कल्याण करवाओ। मानव शरीर प्राप्त प्राणी नू चाहिंदा है कि सब तो पहला पूर्ण गुरु दी शरण विच जाके दीख्या प्राप्त कर। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा, पन्ना नंबर 104। फिर आजीवन गुरु जी दी मर्यादा विच रह के साधना अते सेवा दान धर्म करदा रहे, अपना दैनिक कम भी करे परंतु सारिया बुराइया त्याग देवे, उसका कल्याण जरूर हुंदा है। अध्यात्म ज्ञान दे अभाव तो मानव यानी स्त्री जा पुरुष केवल धन कमाउण नू अपना मुख उद्देश बना के जीवन सफर नू तय करदा है। जेकर तुहाडे कोल अरब खरब तक धन संपत्ति है जो आपने पूरे जीवन विच अटपट छल कपट करके इकट्ठी कीती है, अचानक मौत हो जांदी है, सारे जीवन दा जोड़िया धन ता इत्थे ही रह गया, नाल ता शरीर भी नहीं गया, नाल गए ता ओ पाप जो पूरे जीवन विच माया दे संग्रह विच होए सन। काया तेरी है नहीं, माया कहां से होए, गुरु चरणों में ध्यान रख इन दोनों को खोए। कबीर, सब जग निर्तना तनवंता ना कोए, तनवान व जानिए जापे राम नाम तन होए। भाव अर्थ, जिस काया नू रोग मुक्त कराउण दे लई मानव अपनी संपत्ति नू भी वेच के उपचार कराउंदा है। कहा है कि काया भी आप दे नाल नहीं जाएगी, माया दी ता गल ही की है। पूर्ण गुरु जी तो दीख्या लै के दिन रात भक्ति कर, गुरु जी दे दसे ज्ञान नू आधार बना के जीवन दी राह उत्ते चल, काया ते माया तो मोह हटा के भक्ति धन संग्रह कर। हे मानव, मानव दा पिछला इतिहास देख लवो, सर्व सोने की लंका थी रावण से रणतीरम, एक पलक में राज नष्ट हुआ जम के पड़े जंजीरम, गरीब भक्ति बिना कया होत है परम रेहा संसार, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती वार। पावरथ, संत गरीब दास जी ने भी इस गल दा समर्थन कीता कि भक्ति बिना जीव नू कोई लाभ नहीं हुंदा, माया जोड़न दे लई अजीवन भटकदा रहिंदा है। श्रीलंका दे राजा रावण दे कोल अनंत धन सोना आदि सी, परंतु संसार त्याग के जांदे समय एक ग्राम सोना भी नाल नहीं लै जा सकिया। सत भक्ति सतपुरुष दी ना करन नाल यमदूता दे द्वारा बेल यानी हथकड़ी बन के उपर यमराज दे कोल लै जाया गया, नरक विच पाया गया। इस लई हे मानव अशुभ कर्मा तो डर, सत भक्ति गुरु धारण करके कर। शंका समाधान करदे होए परमेश्वर कबीर जी ने सत्संग विच दस्या कि अध्यात्मिक ज्ञान दे ना होण दे कारण चंगे व्यक्तियां तो भी पाप होए हन। जद उहना ने सत्संग सुनिया ता सर्व अपराध त्याग के भक्ति करके अपना कल्याण कराया है। परमात्मा कबीर जी ने दस्या कि मेरे कोल साधना दे ओ यथार्थ मंत्र हन जो सर्व पापा नू नष्ट कर दिंदे हन, पुन बच जांदे हन। यानी जिवे वर्तमान विच विज्ञानका ने अजिही औषधी खोजी है जो खेती विच पाउण नाल का खरपतवार नू नष्ट कर दिंदी है, फसल सुरक्षित रहिंदी है। ए मंत्र मैं अपने लोक तो लै के आया हा, सोहम शब्द हम जग में ले आए, सार शब्द हम गुपत छुपाए। शब्द अर्थ उपर कीता है। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा, पन्ना नंबर 105। ऋग्वेद मंडल 9:95 मंत्र 2 विच भी प्रमाण है कि परमात्मा प्रतख प्रगट होके अपनी अमृत बाणी द्वारा मुक्ति दे सत मार्ग दी प्रेरणा करदा है।
ओ परमात्मा सब देवा दा देव यानी सर्व दा मालिक भगती दे गुपत नामा दा आविष्कार करदा है। जेकर कोई महान पापी भी है सत साधना करन लग जांदा है अते भविख विच कोई पाप नहीं करदा है ता उस दे सब पाप समाप्त हो जांदे हन। भगती करके अपना कल्याण करा सकदा है। उपरोक्त अमृत बाणी सुन के ओ पैन जिवे गहरी नींद तो जागी हो कंबण लग गई। घर विच ताला लगा के सत्संग स्थल उत्ते गई। पिछे ही औरता दे विच बैठ गई। सत्संग समाप्त होन दे पिछो आवाज लगी कि जो तीख्या लेना चाहुंदा है ओ अग्गे गुरुदेव जी दे कोल आ जाए। कुछ स्त्री ते पुरुष उठ के अग्गे आए। ओ वेशवा भी आई अते गुरुदेव जी नू अपना परिचय दिता अते दस्या कि मैनू ता 40 साल दी उम्र विच पहली वार ए उपकारी बचन सुनन नू मिले हन। हे परमात्मा की मेरे जैसी पापण दा वी कल्याण संभव है। वैसे ता आप जी ने सारा समाधान सत्संग विच दस दिता है परंतु जदो अपने किरणामई जीवन विच चाकदी हा ता गलानी हुंदी है ते विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे जेहे अपराधी नू खिमा कर दिता जाएगा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि कबीर जब ही सतनाम हृदय तरा पयो पाप को नाश जैसे चिंगी अग्नि की पड़े पुराने कास पाव अर्थ जिवे करोड़ टन सुके का दा ढेर लग्या होवे। जेकर उस विच एक तीली माचिस दी जला के पा दित्ती जाए ता उस कानू राख बना दिंदी है फिर हवा चलेगी जो उस राख नू भी उड्डा के लै जाएगी। कम तमाम होया इस प्रकार करोड़ा जन्मा देवी पाप क्यों ना होण मेरे सच्चे मंत्र दा जाप उसनू जला के राख कर देगा। भविख विच कोई गलती ना करना कल्याण हो जाएगा। यजुर्वेद दे अध्याय 8 मंत्र 13 विच भी यही प्रमाण है कि परमात्मा अपने भगत दे एनसिया एनसिया यानी कोर पापा दा नाश कर दिंदा है जीव दा कल्याण कर दिंदा है। उस पैण ने पाप दा कम यानी वेशवा दा तंदा त्याग दिता। परमात्मा कबीर जी तो दीख्या लैके मर्यादा दा पालन करदे होए आजीवन साधना करके चंपाकली ने मोक्ष प्राप्त किया। रंका बंका दी कथा। परमेश्वर कबीर जी तो चंपाकली ने पुछया कि हे भगवान इस पाप दी संपत्ति अते रुपे दा की करा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि बेटी इस नरक दे तन नू दान कर दे। घर जाके चंपाकली ने विचार कीता कि जेकर सारा तन दान कर दिता ता खाऊंगी की कम ता कोई होर है नहीं। चंपाकली सत्संग ज्यादा समय जान लगी। एक दिन सत्संग विच दस्या गया कि रंका यानी पुरुष ते बंका यानी स्त्री परमात्मा दे परम भगत सन। तत्व ज्ञान नू ठीक नाल समझिया सी उसी आधार नाल अपना जीवन निर्वाह कर रहे सन। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 106। ओहना दी बेटी सी जिसका नाम अंबका सी। एक दिन नामदेव भगत ने अपने गुरु जी नू कहा कि गुरुदेव जी आप दे भगत रंका ते बंका बहुत निरतन हन आप ओहना नू कुछ धन दे देवो ता उहना नू जंगल तो लकड़िया लिया के शहर वेच के निर्वाह ना करना पवे। दोनों जंगल विच जांदे हन लकड़िया चुग के लियांदे हन। भोजन दा कम कठिनाई नाल चलदा है। गुरुदेव बोले भाई मैं कई वार धन देण दी कोशिश कीती है परंतु ये सब दान कर दिंदे हन। दो तीन वार ता मैं खुद पेश बदल के लकड़िया खरीदन वाला बन के गया हा। उहना दिया लकड़िया दी कीमत होरा तो 100 गुणा ज्यादा दित्ती सी। ओहना दिया लकड़िया प्रतिदिन 2 आने दिया बिकदिया सन मैं 10 रुपए विच खरीदिया सन। ओहना ने 4 आने रख के बाकी सारे मेरे सत्संग विच दान कर दिते। हुण आप दसो कि किवे धन देवा। भगत नामदेव जी ने फिर आग्रह किया कि हुण दी वार धन दे के देखो जरूर लैणगे। गुरु ते नामदेव जी उस रस्ते विच गए जिस रस्ते तो रंका बंका लकड़ी लैके जंगल तो आउंदे सन। गुरु जी ने रस्ते विच सोने यानी गोल्ड दे बहुत सारे आभूषण पा दिते जो लखा रुपए दी कीमत दे सन। नामदेव ते गुरुदेव इक झाड़ पिछे छिप के खड़े हो गए। रंका अग्गे अग्गे चल रहा सी सिर उत्ते लकड़िया रख के ते उस दे पिछे लकड़िया लैके बंका 200 फुट दे अंतर विच चल रही सी। भगत रंका जी ने देखिया कि सोने दे आभूषण बेशकीमती हन अते बंका नारी जाती है किते आभूषणा नू देख के लालच आ जाए अते अपना धर्म करम खराब कर लवे इसलई पैरा नाल ओहना आभूषणा उत्ते मिट्टी पाउन लग गया। भगत मती बंका भी पूरे गुरु दी चेली सी उसने देखिया कि पति देव गहणिया उत्ते मिट्टी पा रहा है। उदेश भी जान गई आवाज लगा के बोली चलो भगत जी क्यों मिट्टी उत्ते मिट्टी पा रहे हो। बंका जी समझ गए कि इरादे दी पक्की है कच्ची नहीं है।
दोनों उस लखा दे तन नू उलंघन करके नगर नू चले गए। गुरु जी ने कहा कि देख लिया भगत नामदेव जी भगत होण ता अजिहे। एक दिन शाम 4 बजे गुरु जी सत्संग कर रहे सन। सत्संग स्थल रंका जी दी चौंपड़ी तो 4 एकड़ दूरी उत्ते सी। रंका ते बंका दोनों सत्संग सुनन गए हुए सन। उहना दी बेटी अंबका उमर 19 साल चौंपड़ी दे बाहर चारपाई उत्ते बैठी सी। चौंपड़ी विच अग लग गई, सब समान जल गया। अंबका दौड़ी दौड़ी आई अते देखिया कि सत्संग चल रहा सी। गुरु जी सत्संग सुना रहे सन। श्रोता विशेष ध्यान नाल सत्संग सुनन विच मगन सन। शांति छाई सी। अंबका ने जोर जोर नाल कहा कि माता जी चौंपड़ी विच अग लग गई, सारा समान जल गया। माता बंका उठी ते बेटी नू एक पासे लै गई अते पुछया कि की बचया है। बेटी अंबका ने दसया कि एक चारपाई बाहर सी उही बची है। भगत रंका भी उठ के आ गया सी। दोनों ने कहा कि बेटी उस चारपाई नू भी अग हवाले करके आ जा, सत्संग सुन लै। चौपड़ी नहीं हुंदी ता अग नहीं लगदी, अग नहीं लगदी ता सत्संग दे बचना दा आनंद भंग नहीं हुंदा। अंबका गई अते चारपाई नू चौपड़ी वाली अग विच पा के सत्संग सुनन आ गई। सत्संग दे पिछो कर गए। उस समय दा खाना सत्संग विच लंगर विच खा लिया सी। रात नू जली चौंपड़ी दे कोल एक रुख दे नीचे बिना विशाए सो गए। भगती करन दे लई वकत नू उठे ता उहना दे उत्ते सुंदर चौंपड़ी सी अते सारे बर्तन अते आटा दाल आदि आदि मिट्टी दे कड़िया विच भरिया सी। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा, पन्ना नंबर 107। उस ही समय आकाशवाणी हुई कि भगत परिवार ए परमात्मा दी मेहर है, आप इस चौंपड़ी विच रहो, ए आग्या है गुरुदेव जी दी। तीनों प्राणियां ने कहा कि जो आग्या गुरुदेव। सूरज उदय होया ता नगर दे व्यक्ति देख के हैरान रह गए कि जो चौंपड़ी दूसरे रुख दे नाल पई सी उस पुरानी दी राख पई सी। नवी चौंपड़ी एक हफ्ते तो पहला बन नहीं सकती सी। सब ने कहा कि यह ता इहना दे गुरु जी दा चमत्कार है। नगर दे लोग देखण लगे अते गुरु जी तो दीख्या लैण दा संकल्प करन लगे। हजारा नगर वासियां ने दीख्या लई ए सब लीला परमेश्वर कबीर जी ने काशी शहर विच प्रगट होण करके लगभग 200 साल पूर्व कीती सी। उस समय भगत नामदेव जी नू वी शरण विच लिया सी। उपरोक्त कथा प्रसंग सुन के भगत मती चंपाकली दे मन दा पै समाप्त हो गया अते सब संपत्ति ते धन परमात्मा कबीर गुरु जी नू समर्पण कर दिता। परमात्मा ने कहा कि बेटी जदों तू ही मेरी हो गई ता संपत्ति ता अपने आप ही मेरी हो गई। इस मेरी संपत्ति नू उनी ही रख लै जिन्ने विच तेरा निर्वाह चले, बाकी दान कर दी रहे। भगत मती चंपाकली ने वैसे ही कीता, मकान रख लिया अते अधिक रुपए गुरु जी दी आग्या अनुसार भोजन भंडारे यानी लंगर विच दान कर दिते। कबीर जी द्वारा शिशा दी परीक्षा लेना, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी द्वारा अनेका अनहोणिया लीला करन तो प्रभावित होके 64 लाख शिष बने सन। परमेश्वर ता भूत भविख ते वर्तमान दी जानदे हन। उहना नू पता सी कि ए सब चमत्कार देख के अते इहना नू मेरे आशीर्वाद नाल होए पोतिक लाभ दे कारण मेरी जय जयकार कर रहे हन। इहना नू मेरे उत्ते विश्वास नहीं है कि मैं परमात्मा हाँ, परंतु देखा देखी कहंदे जरूर हन कि कबीर जी साडे सतगुरु जी ता खुद परमात्मा आए हन, अपने लाभ भी दसदे सन। एक दिन परमेश्वर कबीर जी ने शिशा दी परीक्षा लेनी चाही कि देखा ता किन्ने ज्ञान नू समझे हन, जेकर इहना नू विश्वास नहीं ता ए मोक्ष दे अधिकारी नहीं हन, ए ता मेरे सिर उत्ते बेअर्थ दा पार हन। ए विचार करके एक योजना बनाई, अपने परम शिष रविदास नू कहा कि एक हाथी किराए उत्ते लियाओ। काशी नगर विच एक सुंदर वैश्वा सी, उस दे मकान तो थोड़ी दूरी उत्ते कबीर जी दे किसे भगत दा मकान सी। कबीर जी उस दे आंगण विच रात दे समय सत्संग कर रहे सन। उस दिन उस वैश्वा दे कोल भी गाहक नहीं सन। सत्संग बचन सुनन दे लई ओ अपने मकान दी छत उत्ते कुर्सी लै के बैठ गई। पूरी रात सत्संग सुनिया अते उठ के सत्संग स्थल उत्ते गई अते परमात्मा कबीर जी नू अपना परिचय दिता अते कहा कि गुरु जी की मेरे जेही पापन दा वी उदार हो सकदा है। मैं अपने जीवन विच पहली वार आत्म कल्याण दीआं गल्लां सुनियां हन। हुण मेरे कोल दो ही विकल्प हन कि जा ता मेरा कल्याण होवे। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा, पन्ना नंबर 108।
जा मैं आत्महत्या करके पापा दा पछतावा करूंगी। परमात्मा कबीर जी ने कहा, बेटी आत्महत्या करना महान पाप है। भगती करन नाल सब पाप परमात्मा नष्ट कर दिंदा है। आप मेरे तो उपदेश लेके साधना करो अते भविख विच पापा तो बच के रहना। उस भैण ने प्रतिज्ञा कीती अते परमात्मा कबीर जी तो दीख्या लेके भगती करन लगी। ते जिथे भी प्रभु कबीर जी सत्संग करदे उत्थे सत्संग सुनन जान लगी, जिस कारण करके कबीर जी दे भगतां नूं उसदा सत्संग विच आउणा चंगा नहीं लगदा सी। ओ उस लड़की नूं कहिंदे सन कि तेरे कारण गुरु जी दी बदनामी हुंदी है, तू सत्संग विच ना आया कर, तू सब तो अगे गुरु जी दे कोल बैठदी है, उत्थे ना बैठिया कर। लड़की ने ए गल्ला गुरु कबीर जी नूं दसिया अते फुट फुट के रोण लगी। परमेश्वर जी ने कहा कि बेटी आप सत्संग विच आया करो। कबीर जी ने सत्संग बचना द्वारा स्पष्ट कीता कि मैला कपड़ा साबण अते पानी तो दूर रह के निर्मल किवे हो सकदा है। इसी प्रकार पापी व्यक्ति सत्संग तो ते गुरु तो दूर रह के आत्म कल्याण किवे करवा सकदा है। भगत वैश्वा ते रोगी तो नफरत नहीं करदे, सन्मान करदे हन। उसनू ज्ञान चर्चा द्वारा मोक्ष प्राप्ति दी प्रेरणा करदे हन। परमात्मा कबीर जी दे वार वार समझाउण उत्ते वी भगत जन उस लड़की नू सत्संग तो मना करदे रहे ते बहाना करदे सन कि तेरे कारण गुरु जी काशी विच बदनाम हो गए हन। काशी दे व्यक्ति सानू वार वार कहिंदे हन कि आप दे गुरु जी दे कोल वेशवा वी जांदी है, ओ किहो जिहा गुरु है। उस लड़की नू कहा कि बेटी आप मेरे नाल हाथी उत्ते बैठ के चलेगी। लड़की ने कहा, जो आग्या गुरुदेव। अगले दिन सवेरे लगभग 10 बजे हाथी दे उत्ते तीनों सवार होके काशी नगर दे मुख बाजार विचों दी गुजरन लगे। संत रविदास जी हाथी नू चला रहे सन, लड़की रविदास जी दे पिछे, कबीर जी दे अगे यानी दोनों दे विचकार बैठी सी। कबीर जी ने एक बोतल विच गंगा दा पानी भर लिया, उस बोतल नू मुख नू लगा के कुट कुट करके पी रहे सन। लोकां नू लग्या कि कबीर जी शराब पी रहे हन, शराब दे नशे विच वेशवा नू शरेआम बाजार विच लई घूम रहे हन। काशी दे व्यक्ति एक दूसरे नू दस रहे हन कि देखो, वड्डे वड्डे उपदेश दिया गल्ला करदा कबीर जुलाहा अज इस दी पोल पट्टी खुल गई है। ए लोक सत्संग दे बहाने अजिहे कर्म करदे रहे हन। काशी दे व्यक्ति कबीर जी दे शिशा नू फड़ फड़ के लिया के दिखा रहे सन कि देख तुहाडे परमात्मा दी करतूत शराब पी रहे हन, वेशवा नू लै के शरेआम घूम रहा है। ए लीला देख के 64 लाख नकली शिष्य कबीर जी नू त्याग के चले गए। पहला वाली साधना करन लगे, लोक लाज विच फस के गुरु बेमुख हो गए हन। परमात्मा कबीर जी विशेषकर अजिही लीला उस समय करदे जिस समय दिल्ली दा सम्राट सिकंदर लोधी काशी नगर विच आया होवे। उस समय सिकंदर लोधी राजा काशी विच हाजर सी। काजी पंडता ने राजा नू शिकायत कर दित्ती कि कबीर जुलाहे ने जुलम कर दित्ता। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा, पन्ना नंबर 109। शर्म लाज समाप्त करके शरेआम वेशवा दे नाल हाथी दे उपर गलत कम कर रहा सी, शराब पी रहा है। राजा ने तुरंत फड़ के गंगा विच डुब्बा के मारन दा आदेश दित्ता। अपने हत्था नाल राजा सिकंदर ने हत्था विच हथकड़ी ते पैरा विच बेड़िया ते गले विच तोक लगाई। नौका विच बैठा के गंगा दरिया दे विचकार लिजा के दरिया विच सिपाहिया ने पटक दिता। हथकड़ी बेड़ी ते तोक अपने आप टुट के जल विच डिग गईया। परमात्मा जल उत्ते पदम आसन लगा के बैठ गए। थल्लेओ गंगा जल घूमदा होया वगी जांदा सी, परमात्मा जल उपर आराम नाल बैठे सन। थोड़े समय बाद परमात्मा कबीर जी गंगा दे कंडे आ गए। सिपाहिया ने शेख तकी दे आदेश नाल कबीर जी नू फड़ के नौका विच बैठा के कबीर परमात्मा दे पैरा ते कमर उत्ते भारी पत्थर बन के हथ पिछे नू रस्सी नाल बन के गंगा दरिया दे विचकार सुट दिता। रस्से टुट गए, पत्थर जल विच डुब गए। परमेश्वर कबीर जी जल उपर बैठे रह गए। जद देखिया कि कबीर गंगा दरिया विच डुब्या नहीं ता गुस्से हो के शेख तकी ने राजा नू कह के तोप दे गोले मारन दा आदेश दे दिता। पहला कबीर जी नू पत्थर मारे, गोली मारी, तीर मारे, अंत विच तोप दे गोले 4 पहर यानी 12 घंटे तक कबीर जी दे उपर चलाए। कोई ता उत्थे ही किनारे उत्ते डिग जांदा, कोई दूसरे किनारे उत्ते जाके डिगदा।
कोई दूर तालाब विच जाके डिगदा एक भी गोला पत्थर बंदूक दी गोली जा तीर परमेश्वर कबीर जी दे आस पास भी नहीं गया। इन्ना कुछ देख के भी काशी दे व्यक्ति परमेश्वर नू नहीं पहचान पाए। फिर परमेश्वर कबीर जी ने देखा कि ए ता अकल दे अन्ने हन। उसी समय गंगा दे जल विच समा गए अते अपने भगत रविदास जी दे घर प्रगट हो गए। दर्शकां नू विश्वास हो गया कि कबीर जुलाहा गंगा जल विच डुब के मर गया है। उस दे उपर रेत ते रेग यानी गारा जम गई होएगी। सब खुशी मनाउंदे होए नचदे कुददे होए नगर नू चल पए। शेख तकी अपनी मंडली दे नाल संत रविदास जी दे घर ए दसण दे लई गया कि जिस कबीर जी नू तुसी परमात्मा कहंदे सी ओ डुब गया है, मर गया है। संत रविदास जी दे घर जाके देखिया ता कबीर जी कतारा यानी वाद यंतर वजा वजा के शब्द गा रहे सन। शेख तकी दी ता मां जेही मर गई। राजा सिकंदर दे कोल जाके दस्या कि ओह अखा बचा के भज गया है, रविदास दे घर बैठा है। ए सुन के बादशाह सिकंदर लोधी संत रविदास जी दी कुटिया विच गया। परमात्मा कबीर जी उत्थों अंतर ध्यान हो के गंगा दरिया दे विचकार जल दे उत्ते समाधि लगा के जिवे जमीन उत्ते बैठदे हन इस तरह बैठ गए। रविदास तो पुछया कि कबीर जी किथे हन। संत रविदास जी ने कहा कि हे बादशाह जी, ओ पूर्ण परमात्मा हन, ओ ही अलख अल्लाह हन। आप इन्हां नू पहचानो, ओ ता मर्जी दे मालिक हन। जिथे चाहे चले जान, मैनू कुछ नहीं पता किथे चले गए। ओ ता सब दे नाल रहंदे हन। उसे समय किसे ने दस्या कि कबीर जी ता गंगा दे विच बैठ भगती कर रहे हन। सब व्यक्ति ते राजा ते सिपाही गंगा दरिया दे किनारे फिर तो आ गए। राजा ने नौका भेज के मलाहा दे द्वारा संदेश भेजिया कि बाहर आ जाओ।